वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. प्रीवियस टॉपिक में हमने स्मॉलर दैन एंड ग्रेटर दैन रीड किया था. आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर. तो चलिए, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट. स्मॉलेस्ट यानी छोटा एंड ग्रेटेस्ट यानी बड़ा. स्टूडेंट्स, हमने स्मॉलर दैन एंड ग्रेटर दैन में टू डिजिट में कंपेयर की थी. मतलब कौन, उसमें दो नंबरों में से हमने देखा था कि कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी डिजिट छोटी है. स्टूडेंट्स, जब हम स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट लेते हैं, जब उसमें हम थ्री नंबर्स में कंपेयर करते हैं, मींस यहाँ पर आपको थ्री ब्लॉक्स दिए हुए हैं, उनमें आपको बताना है कि कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी डिजिट छोटी है. मींस कौन सी डिजिट ग्रेटेस्ट है और कौन सी डिजिट स्मॉलेस्ट है. यस, फर्स्ट रो है. फर्स्ट रो में 1, 2, 3, 4 फोर ब्लॉक्स दिए हुए हैं. सेकेंड रो में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स ब्लॉक्स दिए हुए हैं. एंड लास्ट थर्ड रो में 1 एंड 2 ओनली टू बॉक्सेस दिए हुए हैं. तो स्टूडेंट्स, हमें बताना है इन थ्री रो में कंपेयर करनी है कि कौन सी डिजिट हमारी बड़ी है और कौन सी डिजिट छोटी है. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टू ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर सिक्स ब्लॉक्स हैं और यहाँ पर फोर ब्लॉक्स हैं. तो हम सबसे पहले बताएंगे ग्रेटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा. तो देखिए, फोर बिग होता है या सिक्स बिग होता है या टू बिग होता है? यस, सिक्स बिग होता है. तो इसलिए सिक्स क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेटेस्ट नंबर. और सबसे स्मॉलेस्ट यानी इन तीनों में से हमें ये बताना है कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी है. तो 4, 6 एंड 2 में से कौन सी डिजिट छोटी हुई? यस, 2. तो 2 हमारी क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट डिजिट. ओके स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. एक्सरसाइज दी हुई है इसमें हमें. सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर. हमें उस स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटे नंबर पर सर्किल करना है एंड टिक राइट द ग्रेटेस्ट नंबर. और जो जो हमारा बड़ा नंबर है उसी डिजिट में से उसमें आपको क्या करना है? राइट टिक करना है. तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट दिया हुआ है 7, 3 एंड 1. तो हमें इसमें बताना है सबसे छोटी डिजिट कौन सी है. तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी हुई 7, 3 और 1 में से? यस, 1. तो 1 पे हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट पूछा है ना, उसमें स्मॉलेस्ट में हमें क्या करना है? सर्किल करना है. तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सर्किल एंड टिक राइट द ग्रेटेस्ट नंबर. और जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है उन तीनों में से, उसमें से आपको बताना है, उस पर राइट टिक करना है. तो 7, 3 और 1 तो हमारा छोटा हो गया. और 7 और 3 में से बड़ा कौन सा हुआ? यस, 7. तो 7 पे हम क्या करेंगे? राइट टिक. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट 2, 8, 4. इसमें से वही बताना है स्टूडेंट्स, छोटी डिजिट पे हमें सर्किल. तो इन दोनों तीनों में से कौन सी हुई छोटी? यस, 2. तो हम 2 पे सर्किल करेंगे. और बड़ी डिजिट कौन सी हुई इन तीनों में से? 8. तो 8 पे हम क्या करेंगे? राइट टिक करेंगे. यस, नेक्स्ट 4, 6 एंड 9. 4, 6 एंड 9 में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी हुई? यस, 4. तो 4 पे हमें क्या करना था? टिक या सर्किल? यस, सर्किल. तो हम 4 पे सर्किल करेंगे और टिक किस पे करेंगे? ग्रेटर पे. तो 9 हमारा ग्रेटर नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है. तो हमने इस पर राइट टिक कर दिया. यस, नेक्स्ट 5, 3 एंड 6. वही स्मॉलेस्ट पे हमें क्या करना था? यस, सर्किल. तो 3 हमारा छोटी डिजिट है, स्मॉलेस्ट है. एंड जो 6 है वो ग्रेटर है, ग्रेटर यानी बड़ा. तो हमें 6 पे राइट टिक करना है. नेक्स्ट 5, 4, 6. वही हमें स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा हुआ? 4. 4 पे सर्किल. और ग्रेटेस्ट नंबर 6. तो 6 पे राइट. नेक्स्ट 8, 9 एंड 3. 8 एंड 9 में से बताना है स्मॉलेस्ट कौन सी है? यस, 3. 3 पे हम सर्किल करेंगे. और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ हमारा 8 और 9 में से? यस, 9. तो 9 पे हम क्या करेंगे? राइट टिक कर देंगे. यस फ्रेंड्स, टेल मी, सर्किल किस पे होएगा? 1, 6 या 5? बताइए. यस, 1. तो 1 पे हम क्या करेंगे? सर्किल. और टिक किस पे करेंगे? यस, 6 पे. नेक्स्ट एंड लास्ट 7, 2 और 4. 3 डिजिट दी हुई है, 7, 2 और 4. तो उसमें सबसे छोटी बतानी है हमें, स्मॉलेस्ट बतानी है. यस, 2. 2 हमारा स्मॉलेस्ट है, तो इस पे हमने सर्किल कर दिया. और 7 एंड 4 में से बताना है बड़ी कौन सी है? यस, 7. तो 7 पे हम इसको राइट टिक करेंगे. ओके स्टूडेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आपको इसकी एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 66 पे. तो आपको ये कंप्लीट करनी है सेल्फ. थैंक यू.